सो ये है हमारी ग्रे हेयर चैलेंज का सेकंड रेमेडी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ग्रे हेयर चैलेंज मेरे चैनल पे चल रहा है। आज उसका है डे टू, जिसमें हम बनाएंगे एक ऐसी होम रेमेडी 100% नेचुरल, 500% इफेक्टिव और आपके बालों को जड़ों से काला करेगा। इसमें मैं आपको पूरी चीज़ें डिटेल में बताऊंगी और साथ ही साथ ये भी दिखाऊंगी कि इसको अप्लाई किस तरह से करना है। बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आता है कि इंडिगो लगाने के बाद फर्स्ट टाइम में वॉश किया हमने तो सारा कलर उतर गया। आप बहुत ही अच्छा कलर लगा रहे हैं, मींस बहुत ही अच्छा इंडिगो पाउडर, अच्छी ब्रांड का इंडिगो पाउडर लगा रहे हैं, अच्छी ब्रांड का हेयर डाई लगा रहे हैं, बट जब तक आप अपने शैम्पू को चेंज नहीं करेंगे, आप ऐसे शैम्पू को रिप्लेस नहीं करेंगे जो आपके कलर को प्रोटेक्ट करेगा, कलर को फिक्स करेगा, कलर को फेड नहीं होने देगा, साथ ही साथ कलर को एनहांस करेगा। मींस अगर आपका ब्लैक कलर आ गया तो उसको ये और ज़्यादा डार्क करेगा। सो कोई भी शैम्पू यूज़ कर रहे हो, माइल्ड शैम्पू यूज़ करना है। हर वीडियो में मैं आपको शो करती हूँ, यहाँ पे एक रेमेडी शेयर करूँगी मैं आपको, जो कि आप अपने इंडिगो के बाद, ऑयलिंग के बाद इसको यूज़ करेंगे तो आपका इंडिगो का कलर फेड नहीं, डार्क होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करिए बिंदु नेचुरल वर्ल्ड को, आगे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए घंटी को दबाइए, ये बिल्कुल फ्री है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 6 डेज का हेयर ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज काफ़ी ज़्यादा अच्छा गया मेरे चैनल पे और काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद भी आया और फॉलो भी किया उन्होंने। सो फ्रेंड्स, छोटी सी चोटी, पतली सी चोटी को आप अगर मोटा करना चाहते हैं रियल रिजल्ट्स के साथ, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ, 5000 रिजल्ट्स के साथ, तो आप उस चैलेंज को ज़रूर देखिएगा। आपके लिए या फिर आपके आस पड़ोस के लिए या फिर आपकी ही फैमिली में किसी न किसी मेंबर को ये ज़रूरत ज़रूर पड़ सकती है। सो आप ज़रूर इसको चेक करिएगा। ग्रे हेयर चैलेंज में मैं आपके लिए रेमेडीज लाऊंगी जो कि 100% नेचुरल होंगी और आप घर पे इजीली कर सकते हो। लॉकडाउन का टाइम है, बाहर नहीं जाना, सैलून नहीं जा सकते हो, अपने हेयर को कलर नहीं कर सकते हो। 100% नेचुरल तरीके से हम अपने घर में इन चीज़ों को यूज़ करके कलर करेंगे, सफ़ेद बालों को काला करेंगे। सो इस वीडियो में रेमेडी दिखाऊंगी किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह से इसका इफेक्ट आएगा, कितनी बार इसको यूज़ करना है। वीडियो को स्किप मत किया करें ताकि आप सारी इन्फॉर्मेशन जान लें और फिर उसके बाद यूज़ करें। जब आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि किस तरह से इसको बनाना है, तभी आप उसको इफेक्टिव वे में यूज़ कर पाएंगे और मैजिकल रिजल्ट्स पाएंगे। सो अपने फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें, एंड जो भी आपके कमेंट्स हैं सबकी क्वेरीज का आंसर मैं दूंगी और वन बाय वन करके दूंगी। थोड़ा सा सब्र रखिए, आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर आएगा। सो फ्रेंड्स, इस रेमेडी को बना के आप स्टोर करके रख सकते हो 15 से 20 दिन के लिए। और जैसा कि गर्मियों का सीज़न है और गर्मियों में हम अपने हेड को 2 या 3 दिन में वॉश करना चाहते हैं, और जब भी हम रिपीटेड वॉश करते हैं अपने हेड को तो हमारा इंडिगो का कलर निकल जाता है, या कोई भी नेचुरल हेयर डाई आप लगाते हैं तो उसका कलर निकल जाता है। सो ये जो है ये माइल्ड शैम्पू का काम करता है और इसमें इतनी ज़्यादा झाग नहीं होती है जितनी क्वान्टिटी आप केमिकल वाले शैम्पूज़ की लेते हैं, उससे शायद ये डबल लगती है, बट ये आपके स्कैल्प को क्लीन कर देती है। अगर बहुत ही हैवी ट्रीटमेंट आपने की है अपने बालों में, हेयर ट्रीटमेंट लाइक बहुत सारा ऑयल और बहुत सारी ऑयलिंग लगा के आपने अपने बालों में रखा है, तब ये हो सकता है 2 बार आपको यूज़ करना पड़े। अदरवाइज़ ये माइल्ड शैम्पू है, आप वीक में 3 बार भी यूज़ कर सकते हैं, छोटे बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसको यूज़ करने से आपके ग्रे हेयर कवर होते हैं, जड़ से ठीक होते हैं, और अगर बचपन से ही इसकी आदत हो जाए आपको तो बड़े होते होते आपके बाल कभी भी ग्रे नहीं होते हैं। अगर 30-40s में ग्रे होते हैं तो वो जाके 50-60s में ग्रे होते हैं। सो ऐसी रेमेडी, ऐसी मैजिकल रेमेडी जो है सबके लिए यूज़फुल है। तो चलिए पहले रेमेडी को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें चाहिए है सोप नट्स, रीठा हमें चाहिए है, जिसे हम सोप बेरीज भी कहते हैं, वॉशिंग नट्स भी कहते हैं। नाउ जो रीठा होता है इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, हिंदी में इसको रीठा कहते हैं, कुनकुदकाई तेलुगु में कहते हैं, बूंदी कोटाई तमिल में कहते हैं, पासा कोटमरम मलयालम में कहते हैं, अमताला क्याई कन्नड़ में कहते हैं, रीठा बंगाली, अरीठा गुजराती एंड रिंठा मराठी। सो हो सकता है मैंने प्रोनंसिएशन थोड़ी सी गलत कर दी हो। सो फ्रेंड्स, इसके बहुत सारे अलग अलग नेम हैं। इंग्लिश में हम इसको सॉप नट्स कहते हैं, आयुर्वेदा में ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है अपने हेयर केयर के लिए और हेयर को वॉश करने के लिए।
और आप ये तो जानते ही होंगे कि इससे हमें झाग मिलती है, मीन्स ये हमारे स्किन को ये हमारे हेयर को क्लीन करती है। बट इसके क्लीन करने के साथ साथ और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं आपकी स्कैल्प के लिए। ये माइल्ड क्लींजर का जैसे काम करती है और आप इसको रिप्लेस कर सकते हो नॉर्मल वाले शैम्पू से। इसमें विटामिन ए डी ई के पाया जाता है जो कि आपके हेयर में शाइन लाता है। एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसमें, इंसेक्टीडियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपके बालों में से जुओं को ख़त्म करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। स्कैल्प में अगर किसी तरह का इन्फेक्शन है, डैंड्रफ है, ड्राई हो रहे हैं, तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। मैनेज करता है आपके बालों को, लस्टर देता है और साथ ही साथ स्प्लिट एंड्स को भी कम करता है। सो इसके सिर्फ और सिर्फ क्लिनजिंग का काम नहीं है, इसके साथ साथ हमें बहुत सारी ये अच्छी प्रॉपर्टीज़ देता है। तो फ्रेंड्स देख सकते हो आप कि इसके अंदर बीज होता है, बीज को हमने अलग करना होता है। यहाँ पे मैंने लिए हैं 7 से 8 पीसेस सोप नट्स के और इसमें से मैंने इसके बीजों को अलग कर लिया है। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने लिया है यहाँ पे शिकाकाई। नाउ जो शिकाकाई होते हैं, शिकाकाई के पोर्स होते हैं, इसके अंदर भी छोटे छोटे बीज होते हैं और ये जो शिकाकाई है इसको हम कहते हैं अकाई कॉन्सिना। सो ये भी एक ऐसी हर्ब है जो कि कॉमनली आपके हेयर केयर में यूज़ की जाती है। हेयर क्लीन करने के लिए यूज़ तो होती ही है, साथ ही साथ इसके और भी बेनिफिट्स हैं, जैसे कि ये आपके हेयर को सॉफ्ट और शाइनी बनाती है, आपके स्कैल्प को हील करती है, किसी भी तरह का इन्फेक्शन है या फिर कुछ भी आपके स्कैल्प में प्रॉब्लम है तो इसको ठीक करती है। ड्राई स्कैल्प को नरिशमेंट देती है, डैंड्रफ को कम करती है, हेयर ग्रोथ को बूस्ट करती है, डीटैंगलर का काम करती है, मीन्स आपके बालों को उलझने नहीं देती है, और स्प्लिट एंड्स को कम करती है, ग्रे हेयर को डिले करती है, जुओं को कम करती है, नेचुरल हेयर क्लींजर है, ईची स्कैल्प को स्मूदन इफेक्ट देती है। साथ ही साथ इसको हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं डेली हेयर केयर रूटीन में ताकि ये हमारे स्कैल्प में अच्छे से ट्रीटमेंट कर पाए और हमारे बाल सॉफ्ट शाइनी रहें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कुछ पोड्स लिए हैं चिकाकाई के और ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाफ बाउल की जितना मैंने लिया है और इसको हमने बीज निकालने हैं जो कि सबसे मुश्किल काम है। इसके बीज निकालने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ गई मुझे। तो आप देख सकते हो छोटे छोटे बीज होते हैं शिकाकाई में और रीठा में होते हैं हमारे थोड़े बड़े बीज होते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने लिया है आंवला। नाउ आंवला जो ड्राई वाला होता है मार्केट में इजीली मिल जाता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। ये मैंने घर पे बनाया हुआ है, घर पे इसको स्टोर किया हुआ है, घर पे इसको ड्राई किया हुआ है, तो मैंने अपने घर वाला लिया है। सो यहाँ पे एक बाउल से थोड़ा सा कम हमने आंवला पाउडर लेना है, आंवला के पीसेज लेने हैं ड्राइड वाले। आंवला तो आप जानते ही हैं कि आंवले की बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि हेयर ग्रोथ करता है, नेचुरल हेयर कंडीशनर का काम करता है, डैंड्रफ को कम करता है, आपके सफ़ेद बालों को काला करता है, पिगमेंटेशन डालता है आपके बालों में, स्ट्रेंथन करता है हेयर को, एंटीऑक्सीडेंट के जैसे काम करता है, नेचुरल शाइन देता है, आपके हेयर को थिक बनाता है, मोटा बनाता है, फ्रिजी हेयर को कम करता है, हेयर कलर को एनहांस करता है। आंवले के अनगिनत फायदे हैं और खाने में भी लगाने में भी, तो आप इसको ज़रूर यूज़ किया करें। उसके बाद हमने यूज़ किया है यहाँ पे हिबिस्किस फ्लावर्स, मीन्स गुड़हल के फूलों का सूखे हुए गुड़हल के फूल। नाउ जो पहले 3 इंग्रेडिएंट्स हैं वो मेन है और ये जो है ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा इसका रिजल्ट आता है, हेयर फॉल एकदम से रुक जाता है, हेयर रीग्रोथ हो जाती है, प्रीमेच्योर ग्रेइंग में भी काफ़ी अच्छे से काम करता है। सो ये हिबिस्कस फ्लावर्स जो हैं इसको हम ड्राई करके घर पे भी रख सकते हैं और इसको हम यूज़ करते हैं। हाँ, यहाँ पे मैंने 1 से 2 चम्मच की जितना लिया है हिबिस्कस फ्लावर्स, ये भी आपके प्रीमेच्योर ग्रेइंग पे काम करता है, आपके स्कैल्प को प्रोटेक्ट करता है, एक्सटर्नल डैमेज अगर हो जाती है उससे ये प्रोटेक्ट करता है, डैंड्रफ को कम करता है, डीपली आपके हेयर को कंडीशन करता है, साथ ही साथ ये आपके हेयर में रीग्रो करने का काम करता है, आपके स्कैल्प में रीग्रो कराता है आपके बालों को। सो ये हुआ हमारा 4th इंग्रेडिएंट। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने लिया है यहाँ पे फैनुगीक सीड्स, मेथी दाने। नाउ मेथी दाने जो होते हैं उसमें बहुत अच्छे से प्रोटीन होता है और साथ ही साथ ये आपके बालों में लस्टर देता है, काफ़ी सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो कि आपके हेयर में शाइन लाने का भी काम करता है, नरिशमेंट देता है, मॉइस्चर करता है। 1 चम्मच के जितना मैंने डाला है मेथी सीड्स। उसके बाद मैंने डाला है फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स में ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं, नेचुरल हेयर क्लिनजिंग जेल भी के जैसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, हेयर रीग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, हेयर के हर स्ट्रैंड पे ये काम करता है और डीपली पेनिट्रेट करके आपके बालों को लस्टर देता है। विटामिन ई पाया जाता है इसमें, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं,
साथ ही साथ ये हेयर और स्कैल्प को नरिशमेंट देता है और आपके जो ब्रिटलनेस ड्राइनेस होती है बालों की वो बिल्कुल कम कर देता है। सो इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मैंने साबुत लिया है, आप देख सकते हो साबुत जितने इंग्रेडिएंट्स लेंगे सारे के सारे अच्छा रिजल्ट मिलता है। इन सबको आपने ब्लेंड कर लेना है, आप मिक्सी में ब्लेंड कर लें और एक बाउल में निकाल लें। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा हेयर वॉश पाउडर हमारे पास तैयार हो गया है। नाउ इसको बनाना किस तरह से है, आपने लेनी है लोहे की कढ़ाई लीजिए, उसके अंदर 2 से 3 गिलास पानी डाल दीजिए और मैंने ये सारा का सारा जो हेयर वॉश का पाउडर मैंने बनाया इसके अंदर डाल दिया है और इसको अच्छे से बॉयल होने के लिए छोड़ दिया है। आप इसको बॉयल होने दीजिए और इसको कम से कम 10-15 मिनट के लिए बॉयल होने दें ताकि ये पानी जो है आधे से भी कम रह जाए, मीन्स 1/3 रह जाए। उसके बाद आप इसको ढक के रात भर के लिए छोड़ दें, सुबह मॉर्निंग में आपने इसको छानना है। नाउ सुबह मॉर्निंग में आप इसको छान सकते हैं। पहले मैंने ट्राई किया कपड़े के साथ बट इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट क्योंकि ये जो कॉटन का क्लोथ है थोड़ा सा मोटा था। अगर आपके पास पतला वाला मसलिन वाला क्लोथ होता है तो आप उसको यूज़ कर लीजिए, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी छान सकते हैं। सो इस तरह से छान लीजिए, 2 बार छान लीजिए, एक बार मोटी छलनी से फिर छोटी छलनी से। इसके बाद आपके पास ये हेयर वॉश का शैम्पू ये शैम्पू तैयार हो जाता है। नाउ ये शैम्पू बहुत ज़्यादा माइल्ड है, बहुत अच्छी झाग देता है। नॉर्मल जिस तरह से कि हम हेयर को वॉश करते हैं उसी तरह से हमने इसको वॉश करना है, अपने हेड को डाउन करना है। ऑयलिंग लगे बालों पे भी ये काम करता है, बट अगर आपने हैवी ट्रीटमेंट की है, बहुत ज़्यादा ऑयल लगाया हुआ है, तो इसको 2-3 बार लगाना पड़ सकता है। जितनी क्वांटिटी हम नॉर्मल शैम्पू की यूज़ करते हैं उसे डबल ये लगेगी। अपने हेड को डाउन करिए, पानी डालिए उसको, उसके बाद ये शैम्पू डालिए। शैम्पू डालने के बाद उसको अच्छे से मसलिए और फिर वॉश कर दीजिए। अगर ऑयलिंग किया है तो फर्स्ट वॉश में बिल्कुल भी झाग नहीं आएगा, सेकंड वॉश में आपको झाग देखने को मिल सकता है। सो इस तरह से 2 बार करिएगा। फर्स्ट टाइम अगर आप इस रेमेडी को यूज़ करेंगे तो यू विल नॉट सेटिस्फाई क्योंकि हमें केमिकल्स की आदत हो चुकी होती है और हमें ये लगता है कि ये नेचुरल क्लिनजर हमारे बालों को क्लीन नहीं करेगा, तो ऐसा नहीं है। ये क्लीन करता है, बहुत अच्छे से करता है, स्कैल्प को नरिशमेंट भी देता है, बट हमें हैबिट नहीं होती है इसलिए हमें थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। So, इसको जरूर यूज करिएगा। यूज करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इंडिगो लगाते हैं, इंडिगो के बाद आप ये वाला हेयर वॉश जरूर यूज करें और अदरवाइज भी आप इसको कंटिन्यू यूज कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। सो इसको यूज जरूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा नेक्स्ट ग्रे हेयर चैलेंज में आप कौन कौन सी रेमेडीज देखना चाहते हो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर करिएगा। आगे मिलते हैं अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।